आइए सुनते हैं भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी पर दिव्य कहानी। कहते हैं एक बार नारद जी घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी लाल डायरी में कुछ पढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने नारद जी को देखा तो वो डायरी अपने आसन के नीचे रख ली। यह देखकर नारद जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव मुझे भी कृपया ये डायरी दिखाने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं मेरे प्यारे वस, मैं ये डायरी किसी को नहीं दिखाता। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास बैठ गए और उनकी चरण सेवा करने लगे और चरण सेवा करते करते ब्रह्मा जी खुश हो गए और नारद जी ने चुपके से आसन के नीचे हाथ डाला और वो डायरी बाहर निकाली। ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु इस डायरी में क्या लिखा हुआ है? तो ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस डायरी में उन लोगों के नाम हैं जो मुझे याद करते हैं। नारद जी ने डायरी को खोल करके देखा तो वो बड़े खुश हुए क्योंकि उसमें उनका भी नाम लिखा हुआ था। लेकिन वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उसमें कहीं हनुमान जी का तो नाम ही नहीं था। वो नीचे आए और हनुमान जी से मिले और हनुमान जी से कहा, अरे ए हनुमान, तू हर समय भगवान को याद करता है पर तुझे नहीं मालूम कि भगवान के पास जो लाल डायरी है और उसमें जो भगवान को याद करते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, उसमें तुम्हारा तो नाम ही नहीं है। जब हनुमान जी ने ये सुना तो हनुमान जी ने कहा, मैं किसी डायरी में नाम लिखाने के लिए भगवान को याद नहीं करता, मैं तो प्रभु में डूबने के लिए प्रभु को याद करता हूँ। और कहते हैं कुछ महीने के बाद घूमते घूमते नारद जी फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो इस बार ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि ब्रह्मा जी के पास हरी डायरी थी और वे हरी डायरी में कुछ देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने नारद जी को देखा तो उन्होंने फट से वो डायरी अपने आसन के नीचे डाल दी। नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा, प्रभु आज आपके पास हरे रंग की डायरी, इसमें क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, बस इसके बारे में तो बिल्कुल भी मत पूछना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। फिर नारद जी ब्रह्मा जी के पास बैठ गए और उनकी चरण सेवा करने लगे, उनकी भक्ति करने लगे और धीरे धीरे ब्रह्मा जी खुश हुए। जैसे ही ब्रह्मा जी खुश हुए कि उन्होंने चुपके से हाथ नीचे डाला और डायरी को निकाला और डायरी को देखकर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि इसमें क्या है प्रभु? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें उन लोगों के नाम हैं जिन्हें मैं खुद याद करता हूँ। और जब नारद जी ने डायरी को खोला और देखा तो वो ये देखकर हक्के बक्के रह गए क्योंकि उसमें सिर्फ हनुमान जी का नाम लिखा हुआ था। ये घटना हमें प्रेरणा देती है कि हमें नारद बनने की बजाय हनुमान बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि नारद जी तो प्रभु को याद करते हैं पर प्रभु तो हनुमान जी को याद करते हैं।